हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आज रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द वुड्स। ये एक पोलिश ओरिजिनल वेब सीरीज है जिसमें आपको तकरीबन 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 55 मिनट के बीच में, और ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। खैर बात करते हैं सीरीज की, तो एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। लेकिन इस सीरीज की कहानी बताने से पहले मैं आपको इस सीरीज के कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नाम बताना चाहूंगा, ताकि जब आप लोग इस सीरीज को देखोगे आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है पावेल, दूसरा आर्थर, तीसरा डैनियल, चौथा मोनिका, पांचवा लॉरा और छठी कमिलिया। खैर इस सीरीज की कहानी शुरू होती 1994 एक समर कैंप से, जहां पर हमें कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नजर आते हैं, और उन्हीं स्टूडेंट्स में से हमारे ये 6 कैरेक्टर्स भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 4 स्टूडेंट मिसिंग हो जाते हैं, उनमें से 2 लोगों की डेड बॉडी मिल जाती है और बाकी 2 लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। खैर इसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सीरीज में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो सबसे पहले इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। ऑल्दो हमने इस तरीके के मिस्ट्री ड्रामा पहले भी देख चुके, लेकिन यहाँ पर जो चीज मुझे अच्छी लगी थी वही है कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलती है, पहली 1994 और दूसरी 2019, और दोनों ही टाइमलाइन आपस में कनेक्टेड है। वो किस तरह से वो आप लोग इस सीरीज को देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। खैर प्रेजेंट के टाइमलाइन में 2019 में जहां पर हमें नजर आते पावेल, जो कि हमारे जैसे कि मैंने कहा हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर भी है, वो अब एक लॉयर बन चुके और वो एक रेप केस को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ 1994 में समर कैंप में उस वक्त में क्या कुछ चल रहा था, किस तरह से वो 4 बच्चे मिसिंग हुए थे, और फिर वहां पे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से क्या क्या चीजें हुई थी, वो सब कुछ भी हमें सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। खैर उसके बाद सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, और एपिसोड 1 की बात करते हैं यहाँ पर मेकर्स ने एपिसोड 1 को काफी स्लोली आगे बढ़ाया, क्योंकि वहां पर मोस्टली जितने भी हमारे सीरीज के कैरेक्टर है वो लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके सारी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बेसिक जानकारी मिल जाती है। उसके बाद जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमें हर एक कैरेक्टर्स के बारे में काफी डिटेल में जानने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली इस सीरीज में अच्छा लग रहा था। उसके बाद सीरीज की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो यस लोकेशंस बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ अंधेरे के सीन इतने क्लियरली आपको नजर नहीं आते, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक पॉइंट लगा मुझे। उसके अलावा स्क्रीन पे की बात करें तो आपको कुछ सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ सीन देख के ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार यहाँ पर ये सीन नहीं होना चाहिए, इसको फालतू का ड्रैग कर रहे, कुछ मतलब नहीं इसका। उसके अलावा इस सीरीज की बीजीएम की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से एक मिस्ट्री ड्रामा में बीजीएम होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर बीजीएम आपको सुनने को मिलता है। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर जितने भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी लोगों ने अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और एक उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से भी आप सीरीज को कंटिन्यू करते हो। साथ साथ एक और वजह इस सीरीज को कंटिन्यू करने की वो ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि मेकर्स ने इस सीरीज को इस धरा से बनाया कि मतलब आप एंड तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आखिर क्लाइमेक्स में होगा क्या, और ये एक वजह जो इस सीरीज को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधी रखती है। लेकिन ऑल्दो इस सीरीज को पूरी तरह से आप परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इस सीरीज में कुछ नेगेटिव बात है, और वो नेगेटिव बात इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन जो बात मुझे फील हो रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि 6 एपिसोड होने के बावजूद भी आपको बहुत ही स्लोली आगे बढ़ते हुए सीरीज नजर आते, तो वहां पर आप लोग बोर फील करते हो, और एक एज इंडियन ऑडियंस हम लोग को इस तरीके के स्लो शोज देखना पसंद है नहीं, तो इस वजह से हमारे जो काफी मेरे व्यूवर्स है वो लोग अगर इस शो को देखेंगे तो शायद ये चीज उनको भी फेल्ट होगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये शो में जो चीजें बताई वो यूनिक तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग के पास देखने के लिए कोई शो है नहीं तो आप लोग ये शो को ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा ये शो के जो एपिसोड की जो लेंथ है 45 से लेकर 55 मिनट्स के बीच में, मेरे हिसाब से सिर्फ आधे आधे घंटे के अगर 6 एपिसोड होते तो ये शो बहुत ही बढ़िया होता। तो कुल मिला के ये एक डिसेंट शो है, अगर आपको देखना तो आप इसे जरूर देखना, अगर आपको नहीं देखना क्योंकि ये हिंदी में है नहीं तो आपको नहीं देखना तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इतना कह दूं कि आज जो चीजें रिलीज हुई है गुलाबो सिताबो या तो फिर द कैसिनो, तो उससे तो कहीं ज्यादा बेटर ये सीरीज है। तो आप लोग चाहो तो आज रात को आप लोग इस सीरीज को देख सकते हो, नहीं तो वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि उसमें भी मैं आपको कुछ अच्छी सीरीज के बारे में जरूर बताऊंगा। तो यार बस इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ ये वीडियो देख के हम लोग जो जानना चाह रहे थे वो हम लोग को पता चल गया, तो आपको ज्यादा खुश नहीं करना है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आज की तारीख में मेरे ही ऐसे वीडियो से जो मैक्सिमम ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहे, 200 से 300 लोग देख रहे, तो जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे वीडियोस वायरल हो सकते हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, आप है आपके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में, तो टिल देन बाय।